वेलकम स्टूडेंट्स आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल में और आज अपन पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर एलेवन ऑफ सॉल्यूशन आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इस चैप्टर को काफ़ी एंजॉय भी कर रहे होंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको ये रिकैप करवा दूँ कि अपन ने पिछले वीडियो में कॉलिकेटिव प्रॉपर्टीज को शुरू किया था कॉलिकेटिव प्रॉपर्टीज अपनी फोर टाइप्स की थी उसमें से अपन ने फर्स्ट स्टेप डिस्कस कर लिया था दैट इज रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपॉप्रेशन आज अपना सेकेंड प्रॉपर्टी है उसका नाम है अपना एलिवेशन इन बॉलिंग ये बट काफ़ी सिंपल है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बिल्कुल भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बस आपको थोड़ा सा पुराना कंसेप्ट रिवाइज होना चाहिए मोलिटी का अगर वो आता है तो काफ़ी सिंपल है अगर वो नहीं भी आता तो आपने इस मॉरिलिटी को पढ़ने के लेक्चर में वन और टू रिवाइज कर लीजिए आपको मोरिलिटी भी अच्छी समझ में आ जाएगी ठीक है तो पहले पढ़ते हैं कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है आप सभी लोग काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह वगैरह वही बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है कोई डिफ़ाइन कर सकता है अब मैं आपके सामने लाइव तो वो क्लास में तो हूँ नहीं जो मैं आपसे पूछ सकूँ व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट पर फिर भी आप अपने आप में आंसर दीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती क्या है उस डेफिनेशन को मेरे आंसर से मैच करिए क्या डेफिनेशन सही है मैं आपको टाइम देता हूँ सोचने का आपने अपने मन में सोच लिया होगा कि वाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट अब आप बताइए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सपोज़ uh, मैं इस चीज़ को एक डेमोस्ट्रेशन दे समझाता हूँ फिर मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा ये मेरे पास बीकर है इसमें क्या है वाटर फिल है क्या है इसमें वाटर अब आपको वाटर को बॉईल करना है तो आप यहाँ पे हीट अप्लाई करोगे यहाँ मैंने हीट अप्लाई कर दी ठीक है धीरे 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 पानी का टेम्परेचर रेज होगा रेज होगा रेज होगा एक टाइम आएगा कि अपना वाटर बॉईल हो जाएगा और हर एक बच्चे को पता होता है छोटे से जो टेंथ क्लास का बच्चा भी होगा ना वही बता देगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है अपना हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो ऐसा क्या हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कि 100 डिग्री वाटर बॉयल हो जाता है या 90 पे बोल क्यों नहीं होता 80 पे बोल क्यों नहीं तो 100 पे ही वाटर क्यों बॉयल होता है क्योंकि 100 डिग्री पे क्या होता है बच्चों जब ये यहाँ पे वाटर को हीट देंगे तो वो रूम टेम्परेचर स्टार्ट करेंगे तो रूम टेम्परेचर वाटर बोयल होगा नहीं जैसे जैसे हीट दोगे टेम्परेचर बढ़ेगा अब देखो क्या होता है अब ये यहाँ पे आपके इस वाटर की सर्फेस पर लग रहा है एटमोस्फिर प्रेशर वो होता है आपका वन ए ठीक है अब जब इस वाटर को बॉईल करोगे हीट दोगे तो इसका भी कुछ वेपर प्रेशर होगा और अपन पढ़ चुके हैं वेपर प्रेशर बढ़ता है धीरे धीरे तो 100 डिग्री पे क्या होता है जैसे जैसे बॉईल करोगे तो आपके क्या होंगे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो वेपर प्रेशर होगा उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमोस्फ्रिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा ठीक है वाटर का वेपर प्रेशर वन एटी के इक्वल हो जाएगा हंड्रेड डिग्री पर तो यानी कि अब वो इस सरफेस वो टेंडेंसी रखते हैं यहाँ से लीव करके एटमोसफियर में जाने की जब पानी उबलता है तो काफ़ी सारी वेपर्स वहाँ निकलती है तो एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड इस वाटर का वेपर प्रेशर हो जाएगा वाटर का वेपर प्रेशर हो जाएगा नियर टू एटमोसफियर प्रेशर दैट इज़ वन एटीएम टी बोलूँ या वन बार बोलूँ अराउंड अराउंड सेम ही होता है तो इस प्रेशर पर वाटर मेरा बॉयल होना स्टार्ट कर देगा ठीक है तो यानी कि कंडीशन क्या है ये अपनी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज एट विच इट्स लिक्विड इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमोसफिक प्रेशर अब डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं आपसे बॉइलिंग पॉइंट बस पता होना चाहिए आई रिपीट आप नोट डाउन कर लीजिए बॉइलिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमोसफिर प्रेशर ठीक है इसलिए हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है क्योंकि हर बॉइलिंग की टेंडेंसी अलग अलग होगी बॉयल करने की तो ये तो होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट अब बात आ रही है कि एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट क्या होगा ठीक है अब एलिवेशन मानने क्या होता है इंक्रीमेंट होना इंक्लाइंट होना बढ़ना ठीक है तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है डेफिनेशन सामने लिख रखी है व्हेन एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट ठीक है अब इसको मैं डेमोन्स्ट्रेशन करके समझाऊंगा एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं व्हेन एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन द प्योर सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज यहाँ तक जो पॉइंट है ना ये अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जब भी आप प्योर सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट ऐड करोगे तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है क्लियर वेन एनी नॉन सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज सही बात है ड्यू टू सच डिक्रीज अब इस डिक्रीज होने की वजह से ड्यू टू सच डिक्रीज इन वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बिकम इंक्रीज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अब देखो पहले प्योर था आसानी सेवन एटीन पर पहुँच गया इसका वापर प्रेशर और इसमें अगर आप यहाँ पर कुछ सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की जगह घट जाएगा तो अब क्या होगा ज़्यादा आपको हीट अप्लाई करनी पड़ेगी तो ज़्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा यानी कि वाटर में हंड्रेड डिग्री बॉयल नहीं होगा 100 से ज़्यादा पे बॉयल होगा तो यही कॉन्सेप्ट होता है अपना एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट आई रिपीट दोबारा समझते हैं ये अपना प्योर वाटर था 100 डिग्री पे यह बॉयल हो रहा था मुझे पता है जैसे ही मैं इसमें कोई भी सॉल्यूड ऐड करूँगा कोई भी सॉल्यूड ऐड करूँगा तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा तो अब मुझे ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी वाटर बॉइल करने के लिए यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा रेज़ हो जाएगा अभी हंड्रेड डिग्री पर नहीं होगा हंड्रेड से ज़्यादा पे बॉयल होगा इस कंसेप्ट को समझने के लिए दोबारा से डायग्राम देखिए ये तुम्हारा वाटर 100 हंड्रेड बॉइल हो रहा था अब सपोज मैंने इसमें डाल दिया शुगर अब सरफेस पे वाटर का मॉलिक्यूल भी है शुगर का मॉलिक्यूल भी, 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 भी है वाटर का मॉलिक्यूल भी शुगर का मॉलिक्यूल भी है वाटर का मॉलिक्यूल भी शुगर का मॉलिक्यूल भी है वाटर शुगर ये ऐसे मैंने ये बड़ा सर्कल है वाटर का मॉलिक्यूल छोटा शुगर का मॉलिक्यूल ठीक है अब जब मैं इसको बॉयल करूँगा तो ये शुगर के मॉलिक्यूल ने स्पेस इसको कर लिया जहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल होना चाहिए था वहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल शुगर के आ गए यानी कि अब जो वेपर क्रिएट हो रही थी अब वो वेपर क्रिएट नहीं होगी हंड्रेड डिग्री पर क्योंकि यहाँ पर कुछ पार्टिकल मेरे नॉन वोलेटाइल कॉम्पोनेंट के आ गए दैट इज सॉल्यूट मेरा नॉन वोलेटाइल है तो यहाँ पे अब क्या होगा शुगर की दो तो वेपर्स बनेगी नहीं क्योंकि ये तो नॉन वोलेटाइल है तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था 100 डिग्री पे अब 100 डिग्री पे उतना वेपर प्रेशर क्रिएट होगा ही नहीं अब ये सपोज हंड्रेड से ज़्यादा पे क्रिएट होगा वन या वन या वन वो डिपेंड करेगा मैंने कितने शुगर ऐड करी है यानी कि कितने मॉलिकल मेरे शुगर के सर्फेस पे ऑक्यूपाई करे ये कन्सेप्ट है इसका जो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हुआ शुगर की वजह से या सॉल्ट जो भी अपन डालेंगे सॉल्यूट तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा यानी कि 100 डिग्री पे वेपर प्रेशर कम हो गया अभी 100 से ज़्यादा पे पैल होगा यही कंसेप्ट है मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ठीक है आई होप आप समझ गए होंगे अब इस कंसेप्ट को अपन ग्राफिकली भी समझते हैं कि ग्राफिकली ये कंसेप्ट ग्राफिकल बोलता क्या है ठीक है अब देखिए मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रा करता हूँ ठीक है ये से ये डायग्राम कोई काम का नहीं है सिर्फ ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाए थे सपोज यहां पर कंडीशन देखी है टेम्परेचर वर्सेज वेपर प्रेशर का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ यहां पे मैंने लिया वेपर प्रेशर ठीक है और एक्सिस में लिया मैंने टेम्परेचर ठीक है ये हो गया अब सपोज मुझे पता था प्योर सॉल्वेंट है मेरा क्या है प्योर सॉल्वेंट तो सपोज यहाँ पर प्रेशर मेरा कहीं वन एटी एम आ रहा है है ना और तो ये मैंने यहाँ से शुरू करा उसका पहले वेपर प्रेशर काफ़ी कम था रूम टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर सपोज पॉइंट फाइव एटीएम प्रेशर था जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर हीट अप्लाई करी टेम्परेचर रेज हुआ तो धीरे 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 उसका प्रेशर क्या हो गया बढ़ता चला गया अब एनसीआर में ये वाला ग्राफ आपको यहाँ से स्टार्ट होगा कहीं से क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे जीरो डिग्री होगा तो जीरो डिग्री तो रूम टेम्परेचर होता नहीं है रूम टेम्परेचर अराउंड ट्वेंटी फाइव होगा तो ये रूम टेम्परेचर यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये यह ग्राफ यहाँ की जगह में यहाँ से शुरू कर देता हूँ आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर होगा ना ठीक है अब ये पॉइंट ऐसा आ गया जहाँ पर मेरा वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते वन एटीन पर गया तो इस पॉइंट पर मेरा क्या हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट आ रहा सो अलेवन टी बी नॉट 100 डिग्री नहीं बोलूंगा क्योंकि 100 डिग्री तो वॉटर की लेवर है जरूरी नहीं वाटर ही लेवन हमेशा तो ये पॉइंट आ रहा है मेरा टी बी नॉट है ना तो इस प्रेशर पे क्या होगा वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमोसफिक प्रेशर अभी मैंने वनी टीम ले लिया समझाने के लिए अदरवाइज जो भी उस कंपोनेंट वहाँ पर प्रेशर होगा अपन वो ले लेंगे है ना अब सपोज ये तो था आपका सॉल्वेंट का किसका सॉल्वेंट का वो भी प्योर सोलवेंट का अब अगर तुम प्योर सोल्यूट में सडनली यहाँ पे कुछ सॉल्यूट ऐड कर देते हो चाहे वो रूम टेम्परेचर पर ऐड करो चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट पर ऐड करो तो सडनली क्या होगा इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा वो अपने पढ़ा है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसी भी पॉइंट पे आप सॉल्यूट ऐड करोगे तो सडनली कम हो जाएगा तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा अभी 100 डिग्री पे पहले वन ए प्रेशर आ रहा था अब 100 डिग्री यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर वन से कम आ रहा है अब यानी कि मुझे इसको वन ए टीम पे ले जाने के लिए थोड़ी और हीट अप्लाई करनी पड़ेगी तो ये ग्राफ मेरा यहाँ पे आके एक्सटेंड हो जाएगा ठीक है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ये वापस ग्राफ मेरा थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा अब एक्सटेंड हुआ यानी कि बॉइलिंग पॉइंट मेरा टी बी नॉट से ज़्यादा हो गया इस पॉइंट को मैं बोलूँगा टी बी ठीक है एक बार मैं फ्रेम चेक कर लूँगा आप लोगों को विजिबल तो है ना ठीक है तो वो मेरा टी बी नोट पर पहले बॉयल हो रहा था पर जब मैंने सॉल्यूट ऐड करा तो टीबी हो गया तो इसको मैं बोल दूंगा ये लाइन है मेरी सॉल्यूशन की सॉल्यूशन में क्या है सॉल्यूट और सॉल्य दोनों हैं तो ये जो मेरा डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंस ही मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज डेल्टा टीबी ये डिफरेंस ही मेरा क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसको बोलूंगा मैं डेल्टा टी बी तो ये मेरा बॉइलिंग पॉइंट था प्योर स्टेट में ये बॉइलिंग पॉइंट है मेरा सॉल्यूशन स्टेट में ठीक है आप लिख भी सकते हो टी बी नॉट क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और टी बी क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सोल्यूशन मतलब यहाँ पे सॉल्यूट मैंने ऐड कर दिया कौन सा सॉल्यूट ऐड कराए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कराए ठीक है, करा है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अब देखो ये जो प्रॉपर्टी है मैंने क्या बोला ये प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी आप कितना इसमें सॉल्यूट ऐड कर रहे हो उतना ही ज़्यादा मेरा बॉयलिंग पॉइंट यहाँ पर बढ़ने वाला है तो मैं बोल सकता हूँ चेंज इन टेम्परेचर यानी चेंज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रपोशनल टू मैं बोलूँगा इसको मोले क्या बोलूँगा मोले अभी मैं लिखा दूंगा एम इज फॉर मोले अगर मैं इस कॉन्स्टेंट को हटाता हूँ तो डेल्टा टी वी मेरा हो जाता है इसको के बी एम बोलता हूँ के कॉन्स्टेंट है बी फॉर बॉयलिंग तो के बी एम है अब इस के बी एम के भी काफ़ी सारे नाम होंगे इसको मैं मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट बोल सकता हूँ अब इस Kb के बी के वैल्यू में अगर मैं फाइन करूँ तो Kb के बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर मोलिलिटी में वन लेता हूँ मोलिटी में वन मोलर का सोल्यूशन लेता हूँ तो मेरा डेल्टा टी भी जो है के बी बराबर यानी कि ये मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट या इग्लू किस पर कॉन्स्टेंट बोला जाता है अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या होता है तो फार्मूला आपका ये होगा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इन टू एम यानी कि इस डेल्टा टी बी क्या होगा डेल्टा टी भी दूंगा टी माइनस टी नॉट तो इस डेल्टा टी बोल दूंगा मैं टी बी माइनस टी नॉट इक्वल टू के बी एम। ठीक है टी की वैल्यू क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और यहां पे एम क्या हो जाएगा मोले लिटी ऑफ सॉल्यूशन और मेरा के हो जाएगा मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इसको एक और नाम दिया जाता है एग्लियोस्कोपिक कांस्टेंट ई बी यू डबल एल आई ओ एस सी ओ पी आई सी एग्लियोस्कोपिक कांस्टेंट ये इसके दो नाम है मोल एलिवेशन कांस्टेंट बोलूं या बॉयलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोलूं एक ही बात है ठीक है ये मैं अब आप इसको नोट डाउन करिए फिर अपन इस इस वाले रिलेशन में और भी चीज़ यहाँ पे एलबोरेट uh, करेंगे है ना आप इसको नोट डाउन करिए एम मेरी क्या थी मोल थी है ना अब इसके बिहाफ पे अगर मुझे के बी का यूनिट निकालना हो तो मेरा के बी का यूनिट क्या आएगा एक चीज़ बताइए डेल्टा टी बी डेल्टा टी बी मेरा क्या होगा कैलविन में आएगा या डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा जनरली अपन यहाँ कैल में ही लेंगे पर वैल्यू चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में हो या कैलविन में लो हो डिफरेंस हमेशा सेम ही आता है ये मैं आपको न्यूमेरिकली भी क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर प्रूफ कर दूंगा ना ये क्या है मेरा मोलिलिटी इसका यूनिट होता है मोल पर के तो के की वैल्यू देखा जाए तो हो जाएगी डेल्टा टी बी डिवाइड बाय एम तो यहाँ पर डेल्टा टी बी की यूनिट आएगी कैलविन चेंज हमेशा कैलविन में लेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे तो कैलविन बोलूँ और इसकी आएगी मोल पर के जी मोल पर के जी तो इसको लिख सकता हूँ मैं कैल्विन मोल इनवर्स के जी तो ये मेरी यूनिट हो जाएगी किसकी के बी की यूनिट मेरी हो जाएगी ठीक है ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी ठीक है इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए तो ये मेरी के बी की यूनिट हो गई अब अगर मैं इस फॉर्मूले को और अच्छे से लिखूँ डेल्टा टी बी के बी एम है मेरा मोलिलिटी मोलिलिटी का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सोलवेंट इन के जी तो ये मेरा मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलवेंट इन के जी ये मेरा मोलिटी का फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को मैं अगर और एलिब्रेट करूँ तो मोल का फॉर्मूला आएगा वेट अपॉन मोल का वेट वेट किसका सोल्यूट का वेट तो उसको स्मॉल डब्ल्यू से लिखा ये मेरा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन टू वेट ऑफ सॉलवेंट इन के जी तो ये मेरा फार्मूला एलिब्रेट हो गया तो जनरली अपन इसको मोलिकुलर वेट फाइंड करने में भी इस फार्मूले को यूज में ले सकते हैं ना तो ये आपका फार्मूला हो गया मैं नहीं बोलूँगा आप इसको याद रखो आप सिर्फ इसको याद रखो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम दिस इज द कंसेप्ट ये तो मैंने उसी से डिराइव कराया मोलिलिटी एम है तो उसको ने उसकोट कर लिया और ये चीज़ जनरली अपनी मोलिकुलर वेट फाइंड करने में भी काम आती है ना तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट या एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट आई होप आपको समझ में आया होगा थर्मोडाइनमिकली एक तुम्हारा के बी का भी एक फॉर्मूला होता है पर मैं उसको भी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो आप कितना काम में आने वाला नहीं है ना अब बात आ रही है यहाँ पे क्वेश्चंस किस फॉर्म में आएंगे और एक कांस्टेंट की वैल्यू का क्या होगा ये कांस्टेंट की वैल्यू जनरली आपको गिवन होगी या फिर आपको यहाँ पे वाटर गेस्म होती है पॉइंट अभी मैं सब समझा दूंगा क्वेश्चन के फॉर्म में तो सब क्लियर हो जाएगा ज़्यादा देर ना करते उसको नोट डाउन करिए और अपन सीधा आते हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही आपके इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे मोलल एलिवेशन कॉन्सेंट फॉर वाटर इज पॉइंट फाइव टू केलविन के जी पर मोल आई थिंक आपको याद आ गया होगा यूनिट देख के कैलविन के जी पर मोल आपके के बी की यूनिट है ना तो ये आपको के बी कूनिट ही रखी है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग सिक्स ग्राम ऑफ यूरिया एंड टू हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर यानी कि ये आपके पास टू हंड्रेड ग्राम वाटर है है ना अब मुझे पता है टू हंड्रेड ग्राम वाटर है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है टी बी नॉट कितना होगा स्टैंडर्ड वैल्यू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड बोलूँ या थ्री सेवेंटी थ्री कैल्विन बोलूँ अब ये बोल रहा है इसमें मैंने सिक्स ग्राम यूरिया ऐड कर दिया तो बताओ मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा तो दिस इज द कंसेप्ट मुझे यहाँ पे टी बी की वैल्यू फाइंड करनी है टी बी नॉट क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है पर मुझे पता है वाटर के लिए टी बी नॉट मेरा हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड होता है और केबी के बिन के है तो मैं लगा दूंगा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम ठीक है डेल्टा टी बी को लिख लूँ टी बी माइनस टी बी नोट अब देखो टी बी पहले लिखा है क्योंकि टी बी वैल्यू बड़ी आएगी टी बी नोट बाद में ये छोटी आएगी वैल्यू तो ये पॉजिटिवली आनी है और ये हो जाएगा मेरा जीरो पॉइंट फाइव टू कैलविन के जी नीचे आ जाएगा मेरा मोल ठीक है यूनिट के साथ लिखा है मैंने वैल्यू ताकि क्लियर रहे सब कुछ है ना ये मेरा हो गया के जी मोलिलिटी मोलिलिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वेट ऑफ सोल्यूट इन के जी तो सोल्यूट क्या यहाँ पे यूरिया अगर आपको याद हो यूरिया का फॉर्मूला होता है ये एन एच टू सी ओ एन एच टू तो इसका मोलर मास आता है सिक्सटी तो मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अप डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट मोल का फॉर्मूला गिविन वेट अपन मोलर मास गिव इन वेट एज सिक्सटी मोलर मास मोलर मासज सिक्सटी तो ये तो सोल्यूट का मोल्स हो गया ये सोल्यूट का क्या हो गया मोल हो गया डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यू सॉल्वेंट मोलर मास कितना है टू हंड्रेड तो ये टू हंड्रेड ग्राम ग्राम को कन्वर्ट करना है के जी में तो मैं थाउजेंड से डिवाइड कर दूंगा और ये के जी में कन्वर्ट हो जाएगा ना तो देखो मोल से मोल कट गया के जी से के जी कट गया अब देखो कैलून बचा और डेल्टा टी बी भी किस में एक्लिन में तो आई थिंक अपनी यूनिट यहाँ पर सेटिसफाई हो रही है अब इसको सॉल्व करेंगे तो टी बी मुझे फाइंड करना है टी बी नोट मेरा होगा यहाँ पे थ्री सेवेंटी थ्री ले चल रहा हूँ मैं हंड्रेड नहीं ले रहा आप चाहो तो हंड्रेड ले लो जीरो पॉइंट फाइव टू इंटू सिक्स बाय टेन कितना हो जाएगा मेरा सॉरी पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ये मेरे दो जीरो से दो जीरो कटे ये मेरा कटा ये हो गया सिक्स बाय सिक्स कैंसिल ये बचा मेरा ओनली वन बाय टू तो ये मैंने यहाँ पर टू से इसको मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है अब आप सॉरी डिवाइड कर दिया अब आप एक बार खुद इस कैलकुलेशन को करिए काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है हो गई होगी आप लोगों से ये कितना हो जाएगा इसको अगर आप कैंसिल करते हो तो जाएगा ज़ीरो पॉइंट टू सिक्स तो यानी कि आपका टी बी हो जाएगा थ्री सेवेंटी थ्री प्लस ज़ीरो पॉइंट टू सिक्स सॉरी टू थ्री नहीं टू सिक्स अगर आप इसको 373 की जगह 373.15 लेते हैं तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा आंसर में तो ये आंसर आएगा 373.26 सेवेंटी थ्री यानी कि जो वाटर पहले आपका 373 सेवेंटी में बॉयल हो रहा था 200 ग्राम वाटर वो 6 ग्राम यूरिया डालने पे 373.26 केल्विन पे बॉईल बॉइल होगा तो, तो दिस इज द की कन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन कि मेरा यूरिया डालने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया अगर सपोज़ कुछ बच्चे बोले सर हम तो डिग्री सेंटीग्रेड लेकर कैलकुलेशन करेंगे तो देखो क्या आंसर आएगा टी बी माइनस हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड ये वैल्यू ज़ीरो पॉइंट टू सिक्स ही आनी है तो ये हो जाएगा हंड्रेड पॉइंट टू सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड अब आप इसको कैलविन में कन्वर्ट करोगे तो टू सेवेंटी थ्री एड करोगे सेम आने वाला है यानी कि डेल्टा टी बी को मैं डिग्री सेंटीग्रेड में लूँ या कैलविन में लू इट नॉट मैटर माई कैलकुलेशन आंसर विल बिकम सेम पर आई प्रेफर कैलविन कैलविन आपका ऐसा यूनिट है तो आप कैलविन को ही लीजिए ना अब ये क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन अपना अगला क्वेश्चन है ऐसा देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं मैं एनसीआरटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं ले रहा सब क्वेश्चन मैं फ्रेश ले रहा हूँ एनसीआर क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करिए डाउट आते तो है तो मुझसे पूछिए ए सोल्यूशन कंटेनिंग एट ग्राम ऑफ सब्सटेंस एंड हंड्रेड ग्राम ऑफ डाइथाइलीथर अब देखो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देखिए बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है यह आपका हंड्रेड ग्राम क्या है डाइथाइली इथर था है यानी कि सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव यह आपका डाइथाइलीथर होता था है ना अब इसमें मैंने क्या वो इसने बोला कि इसमें मैंने डाला यहाँ पे एट ग्राम कोई सब्सटेंस एट ग्राम कोई सब्सटेंस एक्स डाल दिया मुझे नहीं पता हो क्या है तो ये सोल्यूशन बन गया तो ये सोल्यूशन बॉयल हो रहा है यानी कि बॉयल हो रहा है देखो सोल्यूशन बॉयल सेट यानी कि ये टी होगा सोल्यूशन बॉयल सेट यानी कि टी होगा तो टी बी की वैल्यू आपकी आ रही है थर्टी ठीक है इसका सोल्यूशन बॉयल हो रहा है थर्टी पे क्लियर एक बार मैं ना दोबारा से आपको क्वेश्चन में थोड़ा ब्रीफ करता हूँ सॉरी बच्चों थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में मैं इसको करेक्ट करता हूँ मैंने एक डेटा मिस कर दिया ठीक है अब सही है देखो ये सॉल्यूशन है इसमें एट ग्राम का अन सब्सटेंस है हंड्रेड ग्राम डाइथाइल लिथर है ये बॉइल होता है आपका थर्टी सिक्स पॉइंट एट सिक्स पे किस बॉइल बताइए थर्टी सिक्स पॉइंट एट सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड पे ओके okay. वेर एस प्योर इथर यानी कि ये प्योर बिना एट ग्राम सब्सटेंस ऐड करे इसका प्योर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है आपका टीबी नॉट कितना है थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स जीरो आपका इसका प्योर स्टेटमेंट इसका बॉइलिंग पॉइंट है ओके okay? अब इससे बोला डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूड ये जो नॉन सब्सटेंस है इसका मोलिकुलर मास क्या होगा और उसके लिए के बी देखा है टू पॉइंट जीरो टू कैलवन के जी पर मोल एक चीज बता दूँ आपको वाटर के लिए के बी आदर को पॉइंट फाइव टू अदरवाइज बाकी हर सब्सटेंस के लिए के बी आपको क्वेश्चन में गिवन करेगा तो अप्लाई करो फॉर्मूला डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इन टू एम टी बी क्या होगी टी बी माइनस टी बी नॉट के बी की वैल्यू आपको देखिए टू पॉइंट जीरो टू यूनिट अब नहीं लिख रहा हूं मैं आप यूनिट से खेलना सीख गए होंगे कैलविन से कैलविन यहाँ हो जाएगा के जी इसमें मोल पर के जी आएगा तो कट जाएगा मोल इसमें आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा ना अब मोलिटी मौल मोल्स ऑफ सॉल्यूट उसका फॉर्मूला होगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो वेट ऑफ सॉल्यूट है एट ग्राम मोलर मास आपको नहीं पता सॉल्यूट का अब नीचे आता था मोलिलिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड इन के जी तो ये तो हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉलिड का वेट कितना हंड्रेड ग्राम तो इसको के जी में करेंगे तो थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे ठीक है तो दिस द कंसेप्ट है ना अब इसकी कैलकुलेशन आसानी से हो सकती है टी बी कितना है मेरा टी बी है थर्टी सिक्स पॉइंट एट सिक्स थर्टी सिक्स पॉइंट एट सिक्स माइनस और ये कितना थर्टी फाइव पॉइंट थ्री थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स जीरो हमें इसको कैलुन में कन्वर्ट नहीं कर रहा क्योंकि डेल्टा टी भी चाहे कैलुन में हो चाहे डिग्री में हो सेम ही होता है ठीक है तो ये चीज़ आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो बताओ कितना आएगा ये ये आएगा वन पॉइंट टू सिक्स ठीक है इक्वल टू टू पॉइंट जीरो टू इन टू ये यहाँ से कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा एट्टी डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट तो दिस इज़ द सिंपल कैलकुलेशन तो यहाँ पर मोलिकुलर वेट की वैल्यू हो जाएगी टू पॉइंट जीरो टू इंटू एटी डिवाइड बाय 1.26 तो ये मोलिकुलर वेट कौन सा है इस 8 ग्राम जो सब्सटेंस है ना अननोन उसका मोलर मास है किसके वन मोल का मास क्या होगा अब आप इसकी कैलकुलेशन करिए कितना आएगा मुझे बताइए आप लोगों ने इससे कैलकुलेशन कर ली हो गया हो सिंपल कैलकुलेशन है इसका आंसर आएगा 128.3 अब यूनिट क्या लगाऊंग ग्राम या के जी ग्राम क्योंकि यहाँ पे ये भी ग्राम में होता है मुल्क लोमीटर भी ग्राम में होता है तो दिस इज द एंसर वन ट्वेंटी थ्री इज द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट फ्रेम में एक बार चेक कर लूँ आपको दिख रहा है क्या हाँ तो वन ट्वेंटी 8.3 ग्राम इज द आंसर ऑफ दिस अनोन सॉल्यूट। आई होप आपको क्लियर होगा काफ़ी सिंपल काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कंसेप्ट बस आपका यही फार्मूला है इस फॉर्मूला आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ठीक है क्लियर है इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए आप अच्छा जो पिछला क्वेश्चन था ना वो सी में दो बार पूछा गया है आ, एक बार तो 2008 में एक बार दहली सी में 2013 में ये क्वेश्चन भी 2013 का ही है आ, 13 में है अलग अलग सेट आते है तो अलग अलग क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन है पॉइंट नाइन जीरो ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्ड इन एट्टी सेवन ग्राम एटी सेवन पॉइंट नाइन जीरो ग्राम ऑफ एनजी दिस रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बैन थी बाय दिस इफ द द मास ऑफ सब्सटेंस इज दिस कैलकुलेट द दूल रिलेशन कॉन्स्टेंट अब देखो कंसेप्ट वही डेल्टा टी बी इक्वल टू म मैं सॉल्व नहीं करा रहा ये आपको खुद सॉल्व करना है मुझे इसका आंसर बताना है तो मुझे यहाँ पे डेल्टा टी टीपी दे रखा है ये ठीक है ये वैल्यू पुट कर दूंगा के बी फाइन करना है पूछा गया मोलरिलेशन कॉन्स्टेंट एम क्या है मोलिलिटी वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा तो वो होगा वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सब्सटेंस तो मोल आ गया अब यहाँ पे डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट एन के जी तो वो भी आपको ग्राम में दे रखा है के जी में आप कन्वर्ट कर लोगे आई होप ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला में खुद ट्राई करिए इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए नहीं आता है आपको मुझसे पूछिए मैं आपको वापस वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा फॉर्मूल बेस्ड क्वेश्चन है ट्राई करिए अब अपन डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में अपनी नेक्स्ट क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर आपको ये समझ में आ गई अच्छे से एलिवेशन तो डिप्रेशन भी जस्ट इसका ऑपोजिट है यहाँ इंक्रीज होता है टेम्परेचर वहाँ डिक्रीज होता है बाकी पूरी कैलकुलेशन आपकी सेम ही चलने वाली है तो वो अपन देखेंगे अपन अपने अगले वीडियो में तब तक इसको अच्छे से सॉल्व करिए और इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आप इसको ट्राई करिए